नमस्कार दोस्तों, मैं रमानंद सर आप सभी का स्वागत करता हूँ सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस परिवार पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो जो है ना उन स्टूडेंट के लिए है जो बिहार आईटीआई और पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर चुके हैं, जिनको कि एग्जाम निकालना है उनके लिए, और यह वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। ठीक है ना, आशा करूंगा कि आपको जो मेरा हर एक प्रयास है आप लोग के लिए कामयाब हो। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप जो है ना हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, सर इसी तरह रोज वीडियो बनाइए तो मैं रोज वीडियो बनाऊंगा। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी बटन आएगा उसे दबाकर आप ऑन कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं वीडियो कितना अच्छा होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, वे कैसी राशि है? इसका सही आंसर होगा सदिश राशि। अगला प्रश्न संख्या दो है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर तीन, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? आपका सही आंसर होगा पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या चार, किस स्थान पर बुद्ध ने पांच सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सही आंसर होगा सारनाथ। क्वेश्चन नंबर पाँच, सौरमंडल की खोज किसने की? सही आंसर होगा कॉपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? आपका सही आंसर होगा SLV-3।